WHO के अनुसार कोरोना वायरस की महामारी सबसे भयानक नहीं है और इससे भी ज्यादा घातक वायरस दुनिया को चपेट में ले सकता है। WHO के इमरजेंसी प्रोग्राम हेड डॉक्टर माइक राइन का कहना है, इस महामारी ने दुनिया को नींद से जगाने का काम किया है। कोरोना वायरस ने दुनिया में 18 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। इससे पहले स्पेनिश फ्लू को भी भीषण महामारी का नाम दिया गया था, जिसमें एक साल में 5 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। डॉक्टर राइन ने मीडिया से बात करते हुए कहा, यह महामारी बहुत गंभीर रही और धरती के हर कोने पर इसका असर रहा, लेकिन जरूरी नहीं ये सबसे बड़ी रही हो। उनका कहना है, ये जागने का वक्त है। हम सीख रहे हैं कि कैसे विज्ञान, लॉजिस्टिक्स, ट्रेनिंग और प्रशासन में बेहतरी की जा सकती है, कैसे संचार बेहतर किया जा सकता है, लेकिन हमारा ग्रह नाजुक है। उन्होंने कहा, हम एक जटिल वैश्विक समाज में रहते हैं और खतरे जारी रहेंगे। हमें इस त्रासदी से सीखना चाहिए कि मिलकर काम कैसे करना है। हमें बेहतर काम करके उन्हें सम्मान देना चाहिए जिन्हें हमने खो दिया है। भले ही अमेरिका और यूरोप में वैक्सीन आ गई है, लेकिन रायन ने ये भी कहा कि वायरस के हमारी जिंदगियों का हिस्सा बनकर रहने की संभावना ज्यादा है। उन्होंने कहा, ये एक खतरनाक वायरस रहेगा, लेकिन इससे खतरा कम होता जाएगा। ये देखना होगा कि वैक्सीन के इस्तेमाल से इसे किस हद तक मिटाया जा सकता है। भले ही वैक्सीन बहुत असरदार हो, इस बात की गारंटी नहीं है कि ये पूरी तरह वायरस या इससे होने वाली बीमारी को खत्म कर देगी। इसलिए पहले ऐसे लोगों को वैक्सीन दी जा रही है जिन्हें इसका खतरा ज्यादा है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।